शिमला जिला के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में 6 माह से आइसोलेशन वार्ड में मौत की दुहाई मांग रहे शंकर की सुनने वाला कोई नहीं है। अपनों ने तो चिकित्सालय के बाहर लावारिस छोड़ दिया था, लेकिन समाज से भी संस्थाएं अथवा लोग भी मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे में पैरालिसिस के चलते दोनों टांगों से चल फिरने में बिल्कुल असमर्थ शंकर चिकित्सालय के लिए भी आफत बने हैं। दिसंबर 2018 में शंकर को कोई चिकित्सा परिसर के बाहर छोड़ गया था। अब शंकर की हालत ऐसे है कि मानसिक तौर से भी वे बीमार हो गए हैं। 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले चिकित्सा परिसर का आइसोलेशन वार्ड पिछले 6 माह से अकेले शंकर के लिए रखा गया है। शंकर की सेवा में एक गरीब समाज से भी लगातार लगा हुआ है। उसके मलमूत्र साफ करने से लेकर अन्य सामान की पूर्ति जैसे तैसे करता है। खाना और दवाई चिकित्सालय की ओर से मुहैया करवाई जा रही है। चिकित्सालय में लंबे समय से इस तरह आइसोलेशन वार्ड किसी एक मरीज के पास होने से चिकित्सालय को भी दिक्कतें आ रही हैं। समाजसेवी और चिकित्सा प्रबंधन की ओर से कई बार विभिन्न संगठनों से शंकर की सहायता और उसे ले जाने की अपील के लिए संपर्क साधा गया, लेकिन सभी ने हाथ पीछे कर दिए। शंकर स्वयं भी इस बेवसी के आगे मौत की दुहाई मांग रहा है। शंकर का कहना है कि बाहर निकलने के काबिल होता तो आत्महत्या कर लेता, लेकिन वह बिस्तर से भी उठ नहीं सकता। चिकित्सालय के सफाई कर्मी देवको देवी ने बताया कि 6 माह से मरीज के साथ कोई तीमारदार नहीं है, उन्हें भी मुश्किलें आ रही हैं। वे कोशिश करते हैं कि देख रेख करें, लेकिन चिकित्सालय के दूसरे काम बाधित हो जाते हैं। समाज सेवी पवन नेगी ने बताया कि 6 माह से शंकर बिना तीमारदार के हैं। वे इंसानियत के नाते उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सालय से मरीज की सफाई के लिए ग्लव्स आदि लेता हूं तो वो नहीं दिया जाता है। इस पर चिकित्सालय की ओर से सहयोग नहीं मिलता। भाजपा नेता एवं पूर्व रामपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रिजलाल ने बताया कि मरीज की स्थिति को देखा चिकित्सकों ने बताया कि मरीज में सुधार आ रहा है। सरकार के ध्यान में भी ये बात लाई जाएगी। मरीज की हर संभव मदद का प्रयास होगा। महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी के चिकित्सा अधीक्षक एनके मेहता ने बताया कि 6 माह से एक मरीज उनके चिकित्सालय में बिना तीमारदार के है, उसे बेड सोल हुए हैं। वे स्वयं से भी संस्थाओं से भी अपील कर रहे हैं कि इस मरीज की मदद के लिए आगे आएं। मंडी में बिपाशा सदन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए आसमान से गिरने वाले जल की हर एक बूंद का संचयन करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उनके इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि परंपरागत जल स्रोतों की सफाई पर विशेष ध्यान दें और इनका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय को तय समय में अमलीजामा पहनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों के पास जाएं, औपचारिकताएं पूरी ना होने की बात कहकर मामले टालने की बजाय खुद आगे आकर लोगों से मिलें और औपचारिकताएं पूरी करें। वहीं महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बागवानी के विकास के लिए 1688 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके तहत प्रदेश भर में बागवानी क्लस्टर बनाए जाएंगे। लोग क्लस्टर बनाने में बागवानी विभाग का सहयोग करें। किसानों को फसलों के विविधीकरण पर ध्यान देने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पर्यटन विकास पर विशेष जोर है। नई राहें नई मंजिल योजना के तहत
केंद्र सरकार ने हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1892 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इससे प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थल गंतव्य पर्यटन नक्शे पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर घर को नल से जल योजना से देश के हर घर में पानी की पाइपलाइन और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बहुत जल्द प्रदेश में ये अभियान भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आईपीएच विभाग का मदद करें। वहीं प्रदेश में हो रही लगातार दुर्घटनाओं पर उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित अधिकारी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों का औचक निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि ये स्कूल सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करें। इस मौके पर विधायक इंद्र सिंह, राकेश जम्वाल, विनोद कुमार, हीरालाल, इंद्र सिंह गांधी, जवाहर ठाकुर और प्रकाश राणा भी मौजूद रहे।